दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? आवाज तो उधर से आ रही है। सो हाय गाइस, माय नेम इज गुरमीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। तब तक आप ये देखो कि हम आए कहाँ पे, मतलब कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, रोड कैसा है वगैरह वगैरह, फिर वापस आके मिलते हैं। हम दो बाइक पे चार लोग निकल पड़े हैं मंजिल की ओर, और आज की मंजिल है, देखते रहो पता लग जाएगा, मतलब टोंक के आसपास घूमने की क्या क्या जगह है आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलने वाली है। जो विंड नॉइज का जो सॉल्यूशन करने की कोशिश तो की है मैंने माइक के ऊपर, अगर सक्सेसफुल होता है तो मैं आप लोगों को, आप लोगों के साथ जो है जरूर शेयर करूँगा। अभी मैं 70 की स्पीड में हूँ, पता नहीं कितनी विंडो स्कैच हो रही होगी, देखते हैं। तो दोस्तों, आगे की कहानी आपको वॉइस ओवर में सुनाई देगी, क्योंकि हमारे माइक ने हमें धोखा दे दिया है। धोखा मतलब क्या बताएं आपको, आप देख ही रहे हो कितनी विंड नॉइस आ रही है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा मुझे। तो आप वॉइस ओवर को ही एंजॉय कीजिए। जिस रोड से मैं अभी जा रहा हूँ, ये सवाई माधोपुर वाला रोड है जो कि उनियारा से सवाई माधोपुर की तरफ जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं हाथीपटा, जो कि रास्ते में पड़ता है ककोड़ के अंदर। और देखते रहिए, ये जो रोड है वो काफ़ी बेहतरीन है, डिवाइडर वाला रोड नहीं है, मतलब फोर लाइन वगैरह कुछ नहीं है, बीच में कई जगह डिवाइडर वगैरह आते हैं जो कि बीच में गाँव वगैरह हैं, तो गाँव वगैरह भी आते हैं रास्ते में, और गाय पशु पक्षी जो आपको रोड पर बैठे हुए दिख जाएंगे। तो थोड़ा सा गाड़ी आराम से ही चलाएं, बाइक वगैरह कार वगैरह आप जिससे भी जा रहे हैं ट्रेवल कर रहे हैं, तो गाड़ी थोड़ा आराम से चलाएं। तो ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हाईवे से टोल टैक्स के पहले एक राइट आता है, तो वहाँ से राइट ले लेना। वहाँ मोड़ से थोड़ा सा, मतलब 1 किलोमीटर दूर ही हम पहुँच गए हैं हाथीभाटा। यहाँ आने की मेन वजह जो है, ये पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, स्टेचू स्टेचू ऑफ एलिफेंट। काफी बड़ा है ये स्टेचू, काफी हवा चल रही है अभी यहाँ पे, धूप भी है। क्या लग रहा है, ये मस्त बकरी बकरी भी है छाया में। आराम कर रही है बकरियां भी।
अभी जो है काफ़ी धूप हो गई है, मतलब आंखें भी खुलने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे मेरी। और मैं आया हूँ मेरे 3 भाइयों के साथ। क्या बोल रहे हो आप? क्या कह रहा था? नहीं नहीं कुछ कह रहे थे, कुछ कुछ तो कह रहे थे। अरे बोलो ना, बोलो बोलो। तो ये हमारे चीफ गेस्ट जिनकी वजह से संभव हो पा रहा है, ये आए हैं कोटा से। कुछ कहना चाहोगे आप? कोई स्पेशल मैसेज किसी के लिए वीडियो के थ्रू? हाँ भाई को मैं बताऊँ किसकी याद आ गई? ये जो टीम है ना आ गया आगे मैं क्या बात कर रहे नहीं नॉन में बात कर रहे हो, मैं वीडियो में नहीं डालता। यहाँ इस तरह की हाँ क्या कह रही है? क्या नाम है तुम्हारा? काली, वो तुम्हारी मम्मी बुला रही है आपको, जाओ। और ये क्या है चितकबरी? हाँ ऐसे कह रही। अरे यार दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? आवाज तो उधर से आ रही है, कुछ तो कह दो। किसी के लिए कोई मैसेज हो तो हम पहुंचा देंगे आपका। लॉकडाउन में कोई आपसे मिल नहीं पा रहा है क्या? उनसे नहीं मिल पा रहा है मेरे पास, आप वो कह रही हैं। काफी देर से मैं करे जा रहे हैं, चिंग नहीं मारने का, बाकी सब बढ़िया है। तो कुछ तो कह दो आप। ओ फैशनेबल, ओह उधर देखो उधर, इधर इधर मैन मैन कबीर सिंह। ये कबीर सिंह, अरे सिंह नहीं इसके, दिस इज कबीर सिंह। तो को मैं ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि कबीर सिंह। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर खाना नहीं है। कुछ कुछ तो कह दो कुछ। कबीर सिंह की दाढ़ी देख लो, दाढ़ी कबीर सिंह चले गए। क्या वो क्या नाम होता है आपका? प्रीति, दिस इज प्रीति। प्रीति प्रीति मतलब मुझे लगता है कि प्रीति को सताने की सजा हमें मिल रही है और हमारा कॉलर माइक यहाँ पे खराब हो गया। कोई बात नहीं यार, ऐसे ही चलता रहता है, वॉइस ओवर वगैरह चल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे साबुन वाबुन रखा हुआ था तो नहाने धोने की सारी व्यवस्था है यहाँ पर, ऐसा हम वहाँ बातचीत वगैरह कर रहे थे। तो हम आगे एक ये पानी वानी की जगह है यहाँ पर गए थे और मतलब बैठ के थोड़ा बहुत शांति से एंजॉय किया हमने उस वहाँ की हवा के एहसास को, हमने हमारे अंदर शामिल किया और फिर वहाँ से निकल गए। और क्या